भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने गांव छज्जू नगर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में 5 सालों में गांव गरीब और किसानों के हितों में कार्य किया है। भाजपा सरकार में डीएपी और यूरिया खाद के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई। किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिया गया। फसल खराब होने पर किसानों को उचित मुआवजा दिया गया। उन्होंने कहा कि 5 सालों में बदरपुर बॉर्डर से लेकर के होडल तक फ्लाई ओवरों का निर्माण किया गया। पलवल में जाम से निजात दिलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड पुल बनवाया जा रहा है। रसूलपुर फाटक और बामनीखेड़ा फाटक पर 45 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज बनवाए जा रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल के गांव दुधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी लाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। यह यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें रोजगार प्रदान करने के लिए युवाओं के हाथों में हुनर प्रदान किया जाएगा। गांवों में महिला कॉलेज खोलने का काम किया गया है। स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। अस्पतालों और गांवों में बने हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और डिस्पेंसरियों की दिशा को सुधारने के लिए काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में किसानों को भूमि अधिग्रहण की एवज में 24 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया था, जबकि भाजपा सरकार में 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया। कांग्रेस के समय में रिश्वत देकर नौकरियां दी जाती थी। भाजपा सरकार में योग्यता व पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। देश की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 40 शहीदों की मौत का बदला 350 आतंकवादियों को मार कर लिया है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी तक विपक्षी पार्टियों ने अपना प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया है, जिसकी वजह से ये साफ जाहिर होता है कि विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा कर लिया है। उनके सामने किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने नहीं है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। भाजपा को भारी बहुमत से जीत हासिल होगी। और ऐसी भीषण गर्मी में भी किस तरह लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। फसल का भी टाइम है, गर्मी भी बहुत तेज है, लेकिन फिर भी लोग भारी संख्या में हमारी सभाओं में लोग पहुंच रहे हैं। ये दर्शाता है कि आज मोदी जी के प्रति लोगों में कितना स्नेह है, कितनी उनकी भावना उनसे जुड़ी हुई है। और यही तय करेगा कि आने वाले प्रधानमंत्री भी मोदी जी होंगे और भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद लोकसभा को पहले से भी अधिक मतों से जीतेगी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव का प्रचार? देखिए, जो 5 साल में जो विकास किया है, गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान के लिए जो योजना बनाकर उनको लाभ दिया है, और जो भारत की एकता, अखंडता, भारत की खजाने की सुरक्षा, भारत की सीमाओं की सुरक्षा मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, ये तमाम मुद्दे हैं। और असली मुद्दा हमारा विकास और सुशासन है। फरीदाबाद में कौन सी पार्टी से मुकाबला मानते हो अपना लोकसभा? देखिए, मुझे तो कोई पार्टी दूर दूर तक, आप रोज घूम रहे हैं, आपको कोई उम्मीदवार घूमता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी के अलावा बताइए। अभी किसी, मैं मैक्सिमम गांवों का दौरा कर चुका हूं, अभी उन्होंने शुरुआत भी नहीं की है, तो मुकाबला कहीं भी नहीं है। वो तो हताश और निराश है, सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, थोड़ी थोड़ी हरकतें करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब चुनाव एक तरफा है, लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर लिया है और भारी बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद से जीतेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आस पास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर।